राइट। सो बेटा लास्ट क्लास में अपन वेक्टर का डेफिनेशन, ओके स्केलर डेफिनेशन और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ये बेटा कंप्लीट किए थे अपन, ठीक है। सो अभी जो पढ़ाने वाला बेटा ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, सर कैसे फाइंड आउट करना चाहिए एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ओके। सो देखो बेटा ध्यान से, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन, एंगल फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, टेल ऑफ ए वेक्टर should be connected to the tail of another vector। मतलब टेल, एक वेक्टर का टेल ले लीजिए, हर एक वेक्टर, टेल मीन्स नथिंग बट इनिशियल पॉइंट, हर एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दो इनिशियल पॉइंट ऐसे ज्वाइन कर दो, जब भी आप मेजर कर सकते हो बेटा एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स, रिमेंबर, ओके। एंगल मेजर करने के लिए कंडीशन, दो वेक्टर के जो टेल्स है वो टेल्स को क्या करना चाहिए बेटा, ज्वाइन कर दीजिए, टेल टू टेल कनेक्शन, टेल टू टेल कनेक्शन, ओके याद रखिए। सो अब मैं ये दो तीन एग्जाम्पल लेके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे मेजर करना चाहिए एंगल, कैसे मेजर करना चाहिए, ओके राइट। देखो बेटा फर्स्ट वन इज ये ए बार वेक्टर है, ये बी बार वेक्टर है, ये करेक्ट है क्या? देखो एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू कितना, 30 डिग्री, करेक्ट है क्या? यस। ए बार का बेटा इनिशियल पॉइंट, बी बार का जो इनिशियल पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट पे देखो कोइंसाइड हो गए कि नहीं, दोनों क्या होना चाहिए, ए बार का इनिशियल पॉइंट, बी बार इनिशियल पॉइंट सर कनेक्टेड एक ही पॉइंट पर है, बराबर। तो ये हो गए दोनों पॉइंट कैसे बेटा ज्वाइन हो गई है इस पॉइंट पर, तो ये करेक्ट है, 30 डिग्री करेक्ट, 30 डिग्री करेक्ट। सो सेकेंड, अब यार फाइंड, मैं क्वेश्चन फॉर्म में ले रहा हूँ, फाइंड एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, क्या होना चाहिए एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, और ये डायग्राम बेटा ऐसे दिख रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से देखिए, ए बार बी बार ये 120 डिग्री दे रहा हूँ, ये करेक्ट है क्या? सेकंड डायग्राम, मुझे एंगल फाइंड आउट करना है ए बार एंड बी बार, देखो कंडीशन क्या है एंगल फाइंड आउट करने के लिए, क्या है टेल टू टेल कनेक्शन, कैसे कनेक्ट करना चाहिए, टेल ऑफ ए फर्स्ट वेक्टर कनेक्ट टू द टेल ऑफ द अनदर वेक्टर, ऐसे ज्वाइन करना चाहिए, जब भी मेजर कर सकते हो बेटा एंगल, ये कंडीशन रूल है, टेल ऑफ ए वेक्टर कनेक्ट टू द टेल ऑफ अनदर वेक्टर, नहीं तो इनिशियल पॉइंट ऐसे कनेक्ट कर दो, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये करेक्ट है। अब ये ए बार का जो वेक्टर है इनिशियल पॉइंट, बी बार का जो इनिशियल पॉइंट कनेक्टेड है कि नहीं, यस कनेक्टेड है, समझा कि नहीं? अब देखो बेटा ये हेड है, ये वेक्टर समझ लो, ये हेड है, ये सेकंड वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर का हेड ही है, अब मुझे एंगल मेजर करना है तो कैसे बेटा, ये जो इनिशियल पॉइंट है, ये टेल है, ये टेल है, ये दोनों को कैसे करना चाहिए, ऐसे कनेक्ट कर दो, जब ये मेजर कर सकते हो एंगल, ये कंडीशन है वेक्टर का, देखो रूल है ये, ओके। अब समझ लीजिए ये वेक्टर ऐसा है, ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ये नहीं है, ये गलत है बेटा, ये हेड है और ये तो टेल होगा, ऐसे कनेक्ट करके और ये एंगल मेजर नहीं कर सकते, अब ये गलत है ये, तो ऐसे एंगल के लिए कैसे करना चाहिए, यदि ऐसे मेजर करो, टेल टू टेल कनेक्शन जब एंगल मेजर करना चाहिए, दैट इज द रूल ऑफ वेक्टर। अब ये करेक्ट है क्या 120 डिग्री? नहीं है, तो एक आंसर क्या होना चाहिए, फिर आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था बेटा ये, अब ये इसके पहले जो अपन प्रीवियस कॉन्सेप्ट लिए, देखो वेक्टर का डायरेक्शन और वेक्टर कैन बी टेकन एनीवेयर विदाउट चेंजिंग एंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, कम ऑन। अब ये मुझे बताओ, मुझे एंगल तो फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करने के लिए रूल क्या है बेटा, कि टेल कनेक्ट होना, अपन ये कनेक्ट है क्या पहले देख लीजिए, नहीं है, क्योंकि ये जो वेक्टर है, ए बार का जो वेक्टर इज द इनिशियल पॉइंट, ये टेल, बी बार का जो बेटा हेड से कनेक्टेड है,
टेल और हेड कनेक्टेड है, गलत ही है। तो क्या करना चाहिए, अब ये जो बी बार मैंने यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, कर सकता हूँ शिफ्ट। इसके पहले पढ़ाया मैं, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर रहा हूँ। कैसे शिफ्ट कर रहा हूँ, ऐसे शिफ्ट कीजिए कि बी बार का जो आप टेल है बेटा, बी बार टेल, ए बार टेल से कनेक्ट होना चाहिए। बी बार का जो टेल है, ये बार टेल से कैसे होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। अब बता दो एंगल क्या होना है, आप बता दीजिए एंगल क्या होना चाहिए, कम ऑन, ये एंगल क्या होना चाहिए, सिंपल क्या होना बेटा, एंगल क्या होना चाहिए, कम ऑन। अरे ये 120, तो ये क्या होना चाहिए, हाँ क्या होना चाहिए, ये टोटल कितना 180, टोटल क्या होना चाहिए 180, और ये 120, तो ये होना चाहिए 60 डिग्री। सो योर आंसर इज थीटा इक्वल टू कितना रे बेटा, 60 डिग्री। कितना बेटा, 60 डिग्री। ओके क्लियर, राइट। सो हर एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कम ऑन, नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। देखो बेटा डायग्राम ध्यान से देखिए, थर्ड ए बार बी बार सी बार डी बार, देखो ध्यान से डायग्राम, देखो ध्यान से बेटा, हियर इट इज, ये वर्टिकल है, वर्टिकल, ठीक है। ये मैंने ले लिया बेटा 60 डिग्री, ये एंगल मैं 30 डिग्री ले रहा हूँ। तो मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना, देखो अब यहाँ से तो आप डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट करते, सर व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड सी बार, ए बार एंड डी बार, थोड़ा डिफिकल्ट है बेटा। तो क्या रूल क्या देखिए, तो मुझे फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी, बी एंड सी, ऐसे फाइंड आउट करना है। देखो अब कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्या करना चाहिए, कम ऑन। सो एक काम कर दो, जो कितने सारे वेक्टर है उसके टेल ले लीजिए, टेल को क्या करना चाहिए, जॉइंट कर दो, ये रूल है। सब वेक्टर के टेल से ना क्या कर दो बेटा, जॉइन कर दीजिए, कनेक्ट कर दो, एक पॉइंट पर कनेक्ट कीजिए, जब आप मेजर कर सकते हो, दैट इज द रूल, यही रूल है बराबर। तो मैं लिख रहा हूँ बेटा, देखिए अब इसका डायग्राम ऐसे ड्रा कर रहा हूँ, डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखिए, डायग्राम देखो बेटा यहाँ से, हर एक वेक्टर में ये टोटल वेक्टर एक ही पॉइंट पर ला रहा हूँ। देखो बेटा ये कौन सा पॉइंट है, ये ओ, मान लीजिए ओ पॉइंट पर ला रहा हूँ। तो कम ऑन, अब ये ए बार वेक्टर कौन से किस डायरेक्शन में, देखो ए बार वेक्टर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये ए बार मैं ऐसे ले सकता हूँ, ये ए बार हो गया बराबर ना, ए बार कैन बी टेकन एनी वेयर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ए बार मैंने यहाँ लिया बेटा, ए बार कहाँ लिया, मैं यहाँ ले लिया ए बार। बी बार क्या होना चाहिए, देखो बी बार ऐसे देखो इस डायरेक्शन में, तो ये बी बार ले लिया मैंने, ये बी बार, देखो एक ही पॉइंट, एक ही पॉइंट पर ज्वाइन कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ए बार यहाँ ले सकता हूँ, बी बार यहाँ ले सकता हूँ, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो कम ऑन, हाँ अब सी बार कैसे बेटा, सी बार ये वर्टिकल को, ये वर्टिकल, वर्टिकल को कितने एंगल है बेटा, कितना, हाउ मच एंगल इट मेक्स, 60 डिग्री। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये हो गया सी बार। तो ये क्या बेटा, ये एंगल लिख दो कितना, ये 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। और एक वेक्टर कैसा है देखो, लास्ट डी बार कैसे डाको, इस डायरेक्शन में, नीचे डाउन डायरेक्शन में, वर्टिकल से एंगल कितना है 30, ये वर्टिकल है, ये होगा एंगल, ये होगा डी बार, कितना एंगल ये, कितना ये 30 डिग्री। देखो ज्वाइन किया कि नहीं, टोटल वेक्टर से एक ही पॉइंट पर ज्वाइन कर दिया अभी, देखो ऑल द वेक्टर्स आर जॉइंट एट ए पॉइंट। ओके आप इजी लिख सकते हो, देखो टोटल टेल्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स आर कनेक्टेड एट पॉइंट ओ। तो कम ऑन, आप एक टेबल बना रहा हूँ, टेबल में लिख दीजिए, हाँ एंगल बिटवीन, ये बिटवीन है, बिटवीन एंगल बिटवीन, ये थीटा ले रहा हूँ, बिटवीन फर्स्ट वन ए बार एंड बी बार, कम ऑन वन बाय वन बता दीजिए, कम ऑन राइट स्टार्ट। आप लिख सकते हो वेक्टर्स, ये डी बार है, ये डी बार है, ए बार सी बार है, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, कम ऑन ए बार बी बार कितना एंगल ये 90 डिग्री, यस लिख सकते हो 90 डिग्री। नेक्स्ट
एंगल बिटवीन ए बार एंड सी बार बता दो। एंगल बिटवीन ए बार एंड सी बार क्या होना चाहिए? ए बार सी बार ये 60 है, ये टोटल 90, तो ये क्या होना बेटा? ये 30 डिग्री होना चाहिए। बराबर, कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। देखो राइट, नेक्स्ट एंगल बिटवीन ए बार एंड डी बार, तो मान ए बार एंड डी बार बता दो। ए बार डी बार क्या होना चाहिए? ये 30 है, तो ये क्या होना चाहिए मेरी? 60, क्योंकि टोटल 90, 60 डिग्री। नेक्स्ट एंगल बिटवीन बी बार एंड सी बार बता दो। बी बार एंड सी बार, बी बार कहाँ देखो? ये बी बार है, ये सी बार, डायरेक्ट है कितना? एंगल 60 डिग्री। बी बार एंड डी बार, एंगल बिटवीन बी बार एंड डी बार, बी बार एंड डी बार, ये बी बार ये डी बार, देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना है? 90। बी और डी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना मुझे, यहाँ से यहाँ तक 90, ये कितना है बेटा? 60। कितना है ये? 60। ये 90 और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 60। तो कितना हुआ फिर ये? 90 प्लस 60 दर इज नथिंग बट 150 डिग्री। ओके, नेक्स्ट एंगल बिटवीन सी बार एंड डी बार क्या होना चाहिए? सी बार एंड डी बार, सी बार एंड डी बार, कम ऑन, क्या बेटा? ये सी बार और ये डी बार, देखो ये 30 है और यहाँ से यहाँ तक 60 है, क्योंकि ये 30 बराबर ये 60 और 30 इज नथिंग बट 90 डिग्री। सो ऐसे फाइंड आउट करना चाहिए बेटा, ऐसे फाइंड आउट करना चाहिए एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स। ऐसे रूल क्या है बेटा? रूल इज द टेल ऑफ ए वन वेक्टर शुड बी कनेक्टेड टू द टेल ऑफ अनदर वेक्टर्स। द टेल ऑफ ऑल द वेक्टर्स कनेक्टेड एट ए पॉइंट देन यू कैन मेजर द एंगल। जब भी चांस है एंगल मेजर करने के लिए, ये वेक्टर का रूल है एंगल मेजर करने के लिए। क्लियर? ओके, टेल टू टेल कनेक्शन, टेल टू टेल कनेक्शन। ओके, ये पॉइंट याद रखिए। क्लियर? राइट, देखो बेटा यहाँ से देख लीजिए, राइट डाउन, जैसे रोड्स बनाओ। नेक्स्ट, सो बेटा रूल तो पता हो आपको, एंगल कैसे मेजर करना चाहिए, टेल टू टेल कनेक्शन याद रखो, ठीक है? राइट, नाउ अब ये वेक्टर को बेटा एडिशन, वेक्टर का एडिशन कैसे करना चाहिए? हाउ यू ऐड द वेक्टर? ओके, वेक्टर टू वेक्टर्स, और ये एडिशन के पहले मैं वेक्टर के थोड़े क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाला हूँ। क्या है सर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या है? ये क्लासिफिकेशन के बाद बेटा फिर मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ एडिशन, दो वेक्टर को कैसे ऐड करना चाहिए और उसका रिजल्टेंट कैसे निकालना चाहिए। ये रिजल्टेंट के लिए थ्री लॉज है बेटा, दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ये थ्री लॉज है एडिशन। एडिशन के पहले मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट आवर कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, राइट, वन बाय वन देखो बेटा, ध्यान से देखिए। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर की मीनिंग दो वेक्टर, मान लीजिए दो वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, कौन सा एक ले लीजिए, दो वेक्टर कैसे होना चाहिए बेटा? दोनों वेक्टर के डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये वेक्टर मैंने ये बार ले लिया और एक वेक्टर मैं भी बार ले रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट ले लो, वेलोसिटी ले लो, नो प्रॉब्लम। बट देखो दोनों की डायरेक्शन तो कैसे, देखो सेम है कि नहीं? दोनों डायरेक्शन सेम है ना? यस, दोनों की डायरेक्शन सेम है। बस डायरेक्शन सेम है तो बेटा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है कि नहीं? देखो यस, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। बी बार की वेक्टर, ये जो बी वेक्टर, बी मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन दी ए, इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड कम है ये, बट दोनों डायरेक्शन तो सेम है। द डायरेक्शन इज सेम, मैग्नीट्यूड मे बी इक्वल मे नॉट बी इक्वल, कंडीशन जरूरी नहीं है बेटा। तो ये क्या है? पैरेलल वेक्टर। क्या ये? पैरेलल वेक्टर, राइट। क्या होना चाहिए? राइट, डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर मस्ट बी सेम,
डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स मस्ट बी सेम. मैग्नीट्यूड मे बी इक्वल मे नॉट बी इक्वल, ऐसा कुछ होता है, मे बी मे नॉट बी, बराबर. ये क्या है? पैरेलल वेक्टर है. या मैग्नीट्यूड क्या डिफरेंट है? मैग्नीट्यूड क्या डिफरेंट है, बराबर. राइट, मे बी इक्वल, दैट इज ऑल्सो पैरेलल वेक्टर. नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर के लिए कंडीशन, दो वेक्टर के बेटा डायरेक्शन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए. याद रखो, ए बार बी बार, मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी बार. दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर. ये इक्वल वेक्टर आल्सो कॉल्ड पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर भी है. देखो कंडीशन, ये पैरेलल वेक्टर भी है. मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ऑल पैरेलल वेक्टर्स, ऑल यू कैन राइट इक्वल वेक्टर्स, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, बट ऑल और यू कैन राइट हियर पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, नॉट इक्वल वेक्टर्स. देखो ये स्टेटमेंट, नॉट इक्वल वेक्टर. अब ये पैरेलल वेक्टर है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल वेक्टर है, ये भी पैरेलल वेक्टर, डायरेक्शन सेम है, बट ये इक्वल वेक्टर है क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम. ये इक्वल वेक्टर है क्या? इक्वल है क्या? नहीं. क्यों नहीं है सर? क्योंकि मैग्नीट्यूड डिफरेंट है. दोनों भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल है. तो ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, बट ऑल दी पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स. ये पॉइंट याद रखो. सो ये पैरेलल वेक्टर है, इट इज आल्सो पैरेलल वेक्टर, बट इट इज नॉट ए इक्वल वेक्टर क्योंकि मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है. ओके, ये बेटा सेकंड वेक्टर. थर्ड वन नल वेक्टर और जीरो वेक्टर. नल वेक्टर और जीरो वेक्टर की मीनिंग क्या? नल मीन्स जीरो. मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो. देखो अब ये बहुत थोड़ा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है बेटा. नल वेक्टर, वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ? जीरो. सर मैग्नीट्यूड जीरो है तो डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई करना? ये क्वेश्चन हो गया. सर वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो जीरो, डायरेक्शन वी कैन नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन. सर फिर वेक्टर कैसे हो सकता है? स्पेसिफाई नहीं कर सकते तो वेक्टर कैसे हो सकता है? तो वेक्टर के लिए बेटा यहाँ इसका और क्या है? ये नल वेक्टर की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? देखो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. नल वेक्टर की मीनिंग, वेक्टर होस मैग्नीट्यूड is equal to zero and direction cannot be specified. याद रखो, direction specify नहीं कर सकते हो. चलो और डिटेल में लेंगे, अपन थोड़ा डिटेल में लेंगे, ठीक है. देखो बेटा, सो फर्स्ट मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल, लेके समझाता हूँ. पहला एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ क्या इंपॉर्टेंस क्या है, नल वेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है. सो यहाँ बेटा एक ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस किया, ये एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा हूँ सरफेस पर, ठीक है. एक पर्सन ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है. कितनी फोर्स? 5 न्यूटन अप्लाई कर रहा है. मान लीजिए ये पर्सन का नाम मैं दे रहा हूँ ए पर्सन, ठीक है. हर एक पर्सन
और एक पर्सन इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितनी फोर्स, ये भी फाइव न्यूटन ही अप्लाई कर रहा है। देखो ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्शन ऐसे इस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एक्स, ये कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव एक्स। देखो दोनों अपोजिट है कि नहीं, अपोजिट डायरेक्शन प्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ स्केल और एडिशन बता दो, स्केल और एडिशन कैसे करना चाहिए, डायरेक्ट टोटल फोर्स स्केलर एडिशन, स्केलर एडिशन, स्केलर के लिए डायरेक्शन नो नीड, डायरेक्शन जरूरी है क्या, नहीं है। स्केलर एडिशन क्या लिखना चाहिए, खत्म, डायरेक्ट 5 + 5 दैट इज 10 न्यूटन हो गया, 10 न्यूटन। देखो डिफरेंस क्या है स्केलर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन कैसे लिखना चाहिए, वेक्टर, वेक्टर एडिशन कैसे लिखना चाहिए, कम ऑन क्या लिखना चाहिए, हाँ फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स है, एफ बार, ये एफ बार समझ लीजिए, ये भी एफ बार है, दोनों सेम है ये, प्लस ये क्या कि नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस एफ बार। माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स है बेटा, ये देखो ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस डायरेक्शन नेगेटिव, इसलिए माइनस लिख रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो, जीरो के प्लेस में अपन क्या लिखते बेटा, जीरो बार, जीरो बार, दैट इज नल वेक्टर। क्या ये नल वेक्टर, वेक्टर का जो एडिशन है, ये एडिशन है, ये सब्सट्रैक्शन है, एडिशन, बट मैं माइनस क्यों लिया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव, जीरो बार। कौन से बुक में क्या क्या बेटा, ऐसे लिख देते आप बोल्ड लेटर से, ऐसे लिख देते, ये कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, थोड़ा थिक लेटर से ऐसे, जीरो, यू कैन रिप्रेजेंट दैट वन आल्सो, ओके राइट। सो जीरो बार, इट इज नथिंग बट नल वेक्टर, नल वेक्टर, ओके। सो हर एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, देखो नल वेक्टर, वेक्टर होना चाहिए, वो क्वांटिटी वेक्टर होना चाहिए और उसके मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए। फोर्स वेक्टर है कि नहीं, तो उसके मैग्नीट्यूड जीरो होगी, फोर्स वेक्टर है, मैग कौन से कंडीशन में जीरो हो गए बेटा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, इक्वल फोर्सेस, देन ओनली रिजल्टेंट विल बी जीरो, रिजल्टेंट विल बी जीरो, याद रखिए फोर्स तो वेक्टर है बट इसके मैग्नीट्यूड जीरो, सो इट इज ए नल वेक्टर, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड जीरो, दिस इज कॉल्ड नल वेक्टर। वेक्टर होना चाहिए, यस फोर्स वेक्टर है और इसके मैग्नीट्यूड जीरो, तो इन दिस केस ये पर्टिकुलर केस में फोर्स क्या है बेटा, एक्ट एज ए नल वेक्टर इन दिस केस। चलो सेकंड वन, व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो एट मैक्सिमम हाइट। सपोज ये ग्राउंड है, मैं एक ऑब्जेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या होना बेटा, बॉडी की वेलोसिटी प्रोजेक्ट किए तो कम होना चाहिए, डिक्रीज, एट पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो जाती, जीरो। वेलोसिटी जीरो होने के बाद रिटर्न आ जाती बेटा बॉडी। तो ये मान लीजिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो गई बेटा, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड एट द मैक्सिमम हाइट क्या हो गए बेटा, जीरो। तो इन दिस केस एट द मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इज जीरो, इन दिस केस द वेलोसिटी एक्ट एज ए नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, बराबर। इस मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी की वैल्यू जीरो, बट वेलोसिटी तो वेक्टर है, तो वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड जीरो हो गए बेटा, एक पर्टिकुलर कंडीशन, कौन सी कंडीशन, मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो गए, सो दिस इज नथिंग बट नल वेक्टर, ओके राइट। नाउ नेक्स्ट हाउ लिख ले रहा हूँ, थर्ड वन इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी और स्पीड इज कॉन्स्टेंट, इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन क्या है बेटा, इन यूनिफॉर्म मोशन व्हाट इज द एक्सेलरेशन वैल्यू, इन यूनिफॉर्म मोशन द एक्सेलरेशन इज जीरो,
एक्सेलरेटी नहीं होती क्योंकि स्पीड सेम है। एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर है। और यूनिफॉर्म मोशन में उसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। एक्सेलरेशन एक वेक्टर है और यूनिफॉर्म मोशन में बेटा इसकी मैग्नीट्यूड जीरो, सो एक्सेलरेशन इज ए नल वेक्टर, एक्ट एज ए नल वेक्टर इन द यूनिफॉर्म मोशन। दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट हियर? नल वेक्टर। व्हेन यू गेट नल वेक्टर, ए कंडीशन व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, देन यू कैन गेट। टू वेक्टर्स कैसे होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। टू इक्वल वेक्टर्स मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ये 5 न्यूटन और ये 5, ये 5 है। नहीं, स्टूडेंट ने क्या किया बेटा, यहाँ इस पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और ये पर्सन कितना 6 न्यूटन इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है और इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन है, और एक पर्सन ऐसे अप्लाई कर रहा है 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना चाहिए? बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए फिर? फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कैसे लिखना चाहिए? ये दोनों सब्सट्रैक्ट कर दो, 1 न्यूटन और किस डायरेक्शन? पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स। देखो थोड़ा चाहिए, अब यहाँ ले लीजिए 7 और यहाँ ले लो 5, अब आंसर बता दो। ये ले लीजिए 7, अब आंसर बता दो, 2 न्यूटन। बट डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? नेगेटिव एक्स एक्स। समझा कि नहीं पॉइंट? ओके राइट। नाउ नेक्स्ट वाइज ये होगा बेटा नल वेक्टर का कॉन्सेप्ट। बट नल वेक्टर इज नथिंग बट इट इज ए सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। इट इज ए सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। देखो थोड़ा मैं डिफरेंस से पढ़ा दे रहा हूँ, इट इज ए सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। जीरो रेडियस मीन्स काउंट ही नहीं कर सकते आप, सर्कल। ये होगा नल वेक्टर, ये होगा पॉइंट नल वेक्टर। इसके लिए कुछ डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते क्या? नहीं। वहाँ इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट देखो दोनों भी एक ही जगह आया, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर सकते। बट इम्पोर्टेंस क्या है? टू ऑपरेट द वेक्टर अलजेब्रा, ये वेक्टर अलजेब्रा। बोले तो दोनों वेक्टर ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से आंसर क्या आ रहा है? जीरो। इसलिए वेक्टर ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन के लिए, वेक्टर ऑपरेट करने के लिए देखो यहाँ अपन ये नल वेक्टर का कंसेप्ट यूज करते बेटा। ओके, टू ऑपरेट दी वेक्टर्स अलजेब्रा, बोल तो एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए ये यूज कर दिया, और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है। ओके नाउ नेक्स्ट वन और एक ले रहा हूँ, फोर्थ वन इज नेगेटिव वेक्टर। सिंपल ही है, सिंपल। नेगेटिव वेक्टर क्या है? नेगेटिव वेक्टर डायरेक्शन चेंज करो। कम ऑन, अब एक वेक्टर ये बार, ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा? किस डायरेक्शन में ये? पॉजिटिव एक्स। नेगेटिव वेक्टर के लिए क्या करना चाहिए? उल्टा कर दो, ये ऐसे है तो उठा के ऐसे रख दो, बस खत्म। नेगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, याद रखो। मतलब चेंज द डायरेक्शन एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या लिखना चाहिए? माइनस ऑफ ए बार। माइनस रिप्रेजेंट अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट है बोल के रिप्रेजेंट। तो बेटा यहाँ इस कंडीशन में ये दो वेक्टर के बीच में मुझे एंगल बता दो, ये वेक्टर के बीच में एंगल क्या होना चाहिए? एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार क्या होना चाहिए? दैट इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ भी 0 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ क्या होना चाहिए? अपोजिट है, क्या होना चाहिए? यहाँ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अपोजिट है। क्या होना चाहिए? 180 अपोजिट है। ये वेक्टर मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, ये वेक्टर यहाँ भी शिफ्ट कर सकता हूँ, तो 180 डिग्री। याद रखो अपोजिट डायरेक्शन क्या है? 180 डिग्री। ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट में फ्यूचर में यूज़ करते रहता हूँ बेटा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ओके अगेन, अब ये बेटा ये बी बार ऐसे लिख रहा हूँ, बी बार। अब मुझे नेगेटिव वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखना चाहिए? खत्म, उल्टा ड्रा कर दो, डायरेक्शन अपोजिट कर दो, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। इट इज माइनस बी बार, बस दिस इज नेगेटिव। अब ये दोनों को ऐड कर दो, आंसर क्या होना फिर? आंसर क्या होना चाहिए? ए बार प्लेस ऑफ माइनस ए बार, व्हाट यू गेट? आंसर क्या आता फिर? क्या आना चाहिए? जीरो। इट इज नथिंग बट 0 बार। क्या ये नल वेक्टर है? क्या ये नल? ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए नल वेक्टर चाहिए।
दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नल वेक्टर. ओके नेगेटिव वेक्टर. ओके और बेटा है और तीन चार वेक्टर्स है. ठीक है फिर कंटिन्यू करने वाला हूँ. सो देखिए नोट इट डाउन. नोट इट डाउन.